हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग CMR 2017 से ही कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव के रूप में हैं, और हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल्स में आज बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, और ये आपके MCL और कोई भी माइनिंग के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, सस्पेंशन गियर के सभी भागों, जो सस्पेंशन गियर के सभी भाग है जैसे कि रस्सा हो गया, कैपल, सेफ्टी हुक और चेन हैंगर, ये सभी भागों को कम से कम कितने दिनों में एक बार साफ किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 6 महीने में एक बार हम खोल करके, सस्पेंशन गियर को खोल करके उसमें जाँचेंगे, ठीक से कहीं जंग वगैरह लग गया तो उसको हम साफ करेंगे 6 महीने में एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाइंडिंग रस्से को मैक्सिमम कितने स्पीड में चलाकर 7 दिनों में एक बार जांच की जाएगी। जो वाइंडिंग का रस्सा होता है उसका अधिक से अधिक कितना स्पीड में जांच करेंगे, वो भी 7 दिनों में एक बार जांच करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड। जब 7 दिनों में जांच करेंगे तो हम 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर चलाकर हम जांच करेंगे, और यदि हम 30 दिनों में वाइंडिंग रस्से को जांच करते हैं तो उसको 0.5 मीटर प्रति सेकंड से जांच करेंगे। ये जांच जो होता है किसी इंजीनियर के द्वारा जांच किया जाएगा या फिर कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा जांच किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रक और डंपरों का रास्ता या हॉल रोड किसके आदेश व पैरामीटर के अनुसार बनाया जाएगा। जो हॉल रोड होगा जिसमें कि ट्रक और डंपर चलते हैं, या पैरापेट वॉल, एम्बैकमेंट या बर्म जो कि किसी रोड के किनारे स्थित है, और जो स्पॉइल डंप जहाँ पे करते हैं वो भी डंप होता है उसके किनारे में, उसका जो डिजाइनिंग होता है, बनावट होती है और नापजोक और लेआउट जो होगा वो किसके पैरामीटर के अनुसार बनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चीफ इंस्पेक्टर ऑप्शन ए, यानी कि CI, किसी के आदेश और पैरामीटर के अनुसार बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रेल लाइन के किसी भी तरफ कितने अंदर तक कोई माल या सामान नहीं रखा जाएगा। जो रेलवे ट्रैक होते हैं उसके दोनों साइड कितने ओर हम कोई भी माल सामान या ओवरबर्डन जो भी हम कोलफील्ड से निकालते हैं उसके कितने अंदर तक हम उसको डंप नहीं कर सकते हैं या फिर रख नहीं सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1.2 मीटर के अंदर कोई भी चीज़ हम रेलवे लाइन की कोई भी चीज़ 1.2 मीटर के अंदर में हम नहीं रख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5, साफ फिटिंग्स में 2 घंटे का क्या मतलब होता है। जो बेल का इस्तेमाल करते हैं माइंस में वो 3 अलग अलग जगहों पे काम करता है, जैसे कि साफ फिटिंग्स यानी कि जो वाइंडिंग होते हैं उसमें घंटे की बात यहाँ पे जो कर रहे हैं, और एक होता है जो सिंकिंग यानी कि जो सॉफ्ट सिंकिंग हो रहा है, खुदाई हो रहा है, उसके लिए अलग इस्तेमाल होता है, और एक होता है हॉलेज के लिए जो इंक्लाइन में यूज होता है वहाँ पे अलग होता है। तो इन तीनों में अलग अलग घंटे का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हम सॉफ्ट सिंकिंग की बात कर रहे हैं, इसमें 2 घंटे का क्या मतलब होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 घंटे का मतलब होता है उतारू, और यहाँ पे 1 घंटे का मतलब होता है जब इंजन चालू है तो आप उसे रोको, और फिर 1 ही घंटे का मतलब होता है जब इंजन चालू नहीं है यानी कि इंजन का मतलब ये बंद है तो आप उठाओ, और यहाँ पे 3 घंटे का मतलब होता है जब व्यक्ति चढ़ने या उतरने के लिए तैयार है। तो ये 3 घंटे और ये दोनों 1-1 घंटे के लिए इस्तेमाल होता है, और 3 घंटे इसमें एक और होता है रिप्लाई में, जो 3 घंटे होती है रिप्लाई में तो उसमें जो व्यक्ति जो होता है डोली या वाहन में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा डिटेल्स हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्वचालित यंत्र, इसको ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस भी बोला जाता है, डोली को पीट बॉटम में मैक्सिमम कितने स्पीड पर उतारेगा। शाफ्ट में डोली को कंट्रोल करने के लिए ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस यूज किया जाता है, लगाया जाता है, ताकि जो डोली चलेगा वो निर्धारित स्पीड पर ही चलेगा। तो जब बॉटम में डोली पहुंचने पर होती है तो ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस एक स्पीड निर्धारित की होती है, उससे ज़्यादा स्पीड पर वो नहीं चलने देगा। तो वो स्पीड यहाँ पे होगा 1.5 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसका राइट आंसर बी है, इससे ज़्यादा स्पीड पर वो उतरने के लिए नहीं देगा। और जो मैक्सिमम स्पीड होती है डोली की वो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है, बाकी
जितने भी टाइम होंगे नीचे पहुंचने के अलावा वो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा जो निर्धारित गति होगी उससे ज्यादा गति पर हम नहीं चला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शाफ्ट की गहराई इतना होने से बकेट या वाहन के लिए उचित संख्या में गाइड लगाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 150 मीटर से अधिक। जब ये 150 मीटर से अधिक हो जाएगा तो उसके जो डोली होगा उसके ऊपर एक छत भी दिया जाएगा और ये जो गाइड लगाए जाएंगे ये तल्ली पर 22.5 मीटर जो है ये उसके तल्ली के नीचे में अंदर तक बढ़ा करके रखा जाएगा। और जो 150 मीटर ये दूरी होती है गहराई की साफ की, वो रीजन इंस्पेक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है कि वो वहाँ पे गाइड लगाएंगे। इससे कम दूरी पर भी लगाया जा सकता है यदि रीजन इंस्पेक्टर की अनुमति या फिर लिखित आदेश दिया जाए तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गैर भूमिगत वर्किंग वाली खान में अधिकतम कितने ऊंचाई के अंतर पर कंटूर लाइन नक्शे, यहाँ पर छूटा हुआ है, नक्शे में दिखाई जाएगी। गैर भूमिगत वर्किंग यानी कि जो भूमिगत नहीं है, ओपन कास्ट वाली वर्किंग है, या फिर जो पहाड़ी वाली एरिया हो सकते हैं, वहाँ पर जो कंटूर लाइन दिखाया जाएगा मैप पे, वो कितने ऊंचाई पर दिखाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 मीटर। और अंडरग्राउंड में जो दिखाए जाते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस की बात हो रही है, तो अंडरग्राउंड में जो दिखाए जाते हैं वो मैक्सिमम ऊंचाई जो होती है वो 5 मीटर होती है। और अंडरग्राउंड छोड़ करके सभी भागों में हिली एरियाज या फिर ओपन कास्ट पहाड़ी इलाकों में जो भी वर्किंग होंगे वहाँ पर इसका 10 मीटर हो जाएगा। और ये सभी भाग जो 200 मीटर के सभी क्षेत्रों तक, 200 मीटर जो अंडरग्राउंड वर्किंग जो होंगे वो 200 मीटर के सभी क्षेत्रों तक दिखाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में नरम मिट्टी में बेंच का खड़ाई कितना से अधिक नहीं होगा। नरम मिट्टी, मोरम, चिकनी मिट्टी, ढीले मलबे, इन सभी में जो बेंच बनाए जाएंगे तो वो बेंच का जो हाइट होगा, खड़ाई होगा, वो मैक्सिमम हम कितना रख सकते हैं। तो ये मैक्सिमम रखना होगा 1.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1.5 मीटर। और जो इसकी जो चौड़ाई होगी, जो बेंच के नीचे चौड़ाई होगी, ये खड़ाई से कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। और जो इंक्लिनेशन जो बनाया जाएगा साइड की ओर से जो ढाल होगा वो 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं जो भी डिटेल्स बताता हूँ वो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, इतना मैं स्क्रीन में मैं पॉइंट आउट नहीं कर पाऊँगा, पेन उतना नहीं चला पाऊँगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओपन कास्ट में होल रोड ठीक से मेंटेन करके रखे जाएँ यह किसकी जिम्मेदारी होती है। तो ये जो जिम्मेदारी होती है सी, इसका राइट आंसर सी है, यानी कि ओवरमैन और माइनिंग सरदार दोनों की जिम्मेदारी होती है और हॉल रोड को मेंटेन करके रखा जाता है कि नहीं यह देखने की। और जो कुछ जिम्मेदारियां होती है ओवरमैन और माइनिंग सरदार की, दोनों की जो म्यूचुअल्स है, दोनों की जो लागू होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो बेंच की जो साइड्स होता है, जो कांथी होता है, उसको ड्रेस करके रखा जाएगा, ये दोनों की जिम्मेदारी होती है, ओवरमैन की और माइनिंग सरदार की। और जो उसकी स्टेबिलिटी होती है, बेंच की स्टेबिलिटी होती है, बेंच की स्थिरता जो होता है, उसको खतरा ना हो, तो ये भी देखने की जिम्मेवारी माइनिंग सरदार और ओवरमैन दोनों की होती है। और जो ओवरमैन डंप करने की स्थिरता होता है, जो ओवरमैन को डंप किया जाता है जहाँ पर, वो भी स्थिर रूप में रहे, ये भी देखने की जिम्मेवारी दोनों की होती है। और एक चौथा यही है जो कि होल रोड को मेंटेन करके रखना होगा। इस चारों जो है ये दोनों में म्यूचुअल्स है, माइनिंग सरदार और ओवरमैन दोनों को देखना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्पॉइल बैंक का जो टो होगा माइन एंट्री से मिनिमम कितनी दूरी पर होना चाहिए। जो माइन एंट्री है, रेलवे है, या पब्लिक रोड है, या फिर पब्लिक वर्क्स हो गया, कोई भी बिल्डिंग हो गया, या स्थाई ढांचा जो भी आपका ये ओनर का नहीं है, मालिक का नहीं है, उसके 100 मीटर के नज़दीक में हम उस स्पॉइल बैंक के टो को हम नहीं रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि सरफेस से सीम की गहराई 260 मीटर है और गैलरी का चौड़ाई 4 मीटर है तो पिलर का साइज क्या होगा। कोल माइंस रेगुलेशन में एक चार्ट दिया हुआ है डेवलपमेंट वर्क में, जहां पर चार्ट में जो पिलर का साइज होगा कितनी गहराई में कितनी चौड़ाई में जो गैलरी का साइज होगा वो कितना होगा। आप जानते ही हैं कोल माइंस रेगुलेशन के अनुसार जो मैक्सिमम हाइट होगा वो 3 मीटर होना चाहिए गैलरी का, और जो चौड़ाई होगा गैलरी का वो 4.8 मीटर मैक्सिमम चौड़ाई दी गई। इससे ज़्यादा आप किसी भी हर हालत में आप नहीं रख सकते। तो यहाँ पर गहराई 260 मीटर है और गहराई के अनुसार ये आपका जो भी 4.8 मीटर है ये गैलरी की चौड़ाई जो है ये डेप्थ के अनुसार ये घटती बढ़ती है। तो यहाँ पे आपको 4 मीटर चौड़ाई दिया हुआ है और डेप्थ दिया हुआ है, तो पिलर का साइज आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 39.5 मीटर आपको पिलर का साइज रखना पड़ेगा। ये चार्ट अलग अलग गहराई पे अलग अलग दिया हुआ है, इसको आप देखना, इतना मैं नहीं बता पाऊँगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पिलर एक्सट्रैक्शन का काम किसकी लिखित अनुमति के बिना चालू नहीं किया जाएगा। पिलर एक्सट्रैक्शन या हम लोग उसको डिपिलरिंग का काम भी बोल सकते हैं, या फिर हम जो पिलर बनाया गया है उसको छोटा करने का काम, ये जो भी काम होंगे ये किसकी अनुमति को किसकी अनुमति लेकर के हम ये कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, यानी कि रीजनल इंस्पेक्टर की अनुमति लेनी होगी हमको पिलर को काटने के लिए या डिपिलरिंग को चालू करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, CMR कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्टिफिकेट बोर्ड नहीं देता है, जो पहले देता था, यानी कोल माइंस रेगुलेशन 1957 के अनुसार वो सर्टिफिकेट देता था पर अभी उसे हटा दिया गया है। तो ये है ऑप्शन सी, राइट आंसर है शॉर्ट फायरर का सर्टिफिकेट अब DGMS या जो बोर्ड होती है वो नहीं देती है। आप जो सर्टिफिकेट्स देते हैं कुछ 7 सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे फर्स्ट क्लास मैनेजर, सेकेंड क्लास मैनेजर, फिर सर्वेयर, ओवरमैन सर्टिफिकेट, फिर GT सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट और एक इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होता है। GT सर्टिफिकेट और इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट को छोड़ करके जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सारे अब ओपन कास्ट के लिए भी जो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, ओपन कास्ट के लिए सीमित हैं, उन सभी के लिए की अलग से अब दिया जाने लगा है। तो इतने सारे हो गए हैं सर्टिफिकेट से रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इंजन रूम को नक्शे में किस रंग से दिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इंजन रूम को हम नक्शे में किसी भी रूप में किसी भी कलर में हम उसको नहीं दिखाते हैं। कोल माइंस रेगुलेशन 2017 में एक शेड्यूल दिया हुआ है, एक अनुसूची दी हुई है, जहाँ पर नक्शे और सेक्शन में जो भी निर्धारित किए गए हैं किस चीज़ को किस कलर से किस रंग से दिखाया जाता है वो कोल माइंस रेगुलेशन के एक शेड्यूल में सारा दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मैनेजर अपना पद छोड़ने से कितने दिन पहले ओनर या एजेंट को लिखित नोटिस देंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 30 दिन, यानी कि 30 दिन पहले कोई भी मैनेजर, माइंस का मैनेजर जो होगा वो यदि माइंस छोड़ना चाहते हैं तो 30 दिन पहले, माइंस छोड़ने से 30 दिन पहले चाहे तो ओनर या फिर एजेंट को उसको नोटिस देना होगा कि वो माइंस छोड़ने वाले बिना नोटिस दिए हुए कोई भी मैनेजर माइंस नहीं छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, माइनिंग सरदार किस रेगुलेशन के तहत माइंस में सभी जगहों का जांच करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि रेगुलेशन 129 के अनुसार ही माइनिंग सरदार जो है माइंस में जांच करते हैं, परंतु जो ये ऑप्शन दिया हुआ है 48 और ये 247 ये भी माइनिंग सरदार से ही रिलेटेड है। ये ऑप्शन बी में इसके थ्रू भी जांच करते हैं, क्योंकि ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है माइनिंग सरदार का कर्तव्य और जिम्मेवारियां दिया हुआ है, जो भी कर्तव्य और जिम्मेवारियां हैं वो 48 में दिया गया है, और ये 247 जो है इसमें ओवरमैन और सरदार जो भी कम्पिटेंट पर्सन यूज हुए हैं पूरे रेगुलेशन में, तो जहाँ भी सरदार का जहाँ भी ज़रूरत होगा तो ये 247 में क्लियर किया गया है कि कहाँ कहाँ पे कम्पिटेंट पर्सन के जगह पर सरदार वहाँ पे काम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अंडरग्राउंड माइंस में बफर और सेफ्टी केचेस की जांच कितने दिनों में की जाएगी। यहाँ पर ड्रॉबार,
कपलिंग और इस तरह के जो भी अन्य साधन होते हैं उसकी जांच 14 दिनों में एक बार की जाएगी। और ये सभी जांच जो की जाएगी किसी कंपिटेंट पर्सन के द्वारा किया जाएगा। और जांच करने के बाद वो सारी रिपोर्ट जो होते हैं साजिल पन्ना नंबरदार खाते में उसको सारी रिपोर्ट को लिखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अंडरग्राउंड माइंस में मशीन चलाने के लिए कितना से अधिक इंक्लिनेशन हो जाने पर इफेक्टिव कंट्रावेंस लगाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1 in 5। जब इससे अधिक इंक्लिनेशन हो जाएगा, इसका अधिक कहने का मतलब होता है 1 in 4, 1 in 3, ये 1 in 5 से इंक्लिनेशन अधिक हुआ, यानी कि 5 से अधिक कहने का मतलब यहाँ पे 5 से अधिक 4, 3, 2 इत्यादि। तो यदि हम ऑटोमेटिक कंट्रावेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गाड़ी को चलाने में अंडरग्राउंड माइंस में RHT हो गया, STL हो गया इत्यादि मशीनों को चलाने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक कंट्रावेंस या फिर कारगर साधन वहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंडरग्राउंड माइंस में स्टोन डस्ट में फ्री सिलिका की मात्रा कितना परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अंडरग्राउंड माइंस में जो हवा सैंपल लिया जाता है, जो सैंपल में एयर सैंपल जो होता है उसमें 2 mg प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक जो श्वसनीय डस्ट होते हैं वो 2 mg प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, परंतु ये CMR 1957 में 3 mg था, पर अभी कोलमैन रेगुलेशन में इसको अपडेट करके 2 mg कर दिया है। श्वसनीय डस्ट जो होता है सैंपल में वो 2 mg प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है जो कि NCL के 2018 के एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा शब्द जो है ओपन कास्ट माइंस से संबंधित नहीं है? इन चारों में से आपको चुनना है कि ओपन कास्ट के लिए कौन सा ये वर्ड जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यदि आप लोग को मेरा वीडियोस पसंद आता है तो मेरे वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए, और कुछ पूछना चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और आगे इसी तरह का वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।